नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब एक हाइड्रा या फराना ऑपरेटर एक छोटी कंपनी को छोड़कर किसी बड़ी कंपनी में ऑपरेटर के जॉब के लिए जाता है, तब उसे इंटरव्यू पास करना होता है। तो जब मैं लोकल का काम छोड़कर एक बड़ी कंपनी में परमानेंट जॉब के लिए आया था, तो मुझे इंटरव्यू में क्या क्या बताना पड़ा था, इसके बारे में जानकारी दूंगा, जिससे मेरे और भी भाई जो इस वीडियो को देखेंगे उनको अनुभव होगा और वो इंटरव्यू को पास कर लेंगे। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे यह पूछा जा सकता है कि आप कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाए हैं, तब आप बताएंगे कि मैंने टेरेक्स, स्कॉट, इंडो पावर, एसी इत्यादि कंपनियों का फराना चला रखा है। उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि आप कितने दिन से फराना चला रहे हैं, तब आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है तथा कहां कहां आपने काम किया है उसके बारे में भी बताना है। लेकिन सिलेक्शन होने के लिए कम से कम उसे 3 साल का एक्सपीरियंस बताना जरूरी होता है। आपसे तीसरा प्रश्न यह पूछ सकता है कि आपकी गाड़ी में सेफ्टी इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तब आप बताएंगे, सर हमारे गाड़ी में तो बहुत सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, परंतु मेरे हिसाब से जिसका पहला स्थान है वह है SLI, जो हमारे सेफ वर्कलोड को दिखाता है तथा हमें अनसेफ होते ही हमें वार्निंग देने लगता है। अगर दूसरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात किया जाए तो दूसरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स में हमारा फर्स्ट एड बॉक्स आता है, जिसमें हमारे नॉर्मल इंजरी की दवाइयां और मरहम पट्टी का सामान होता है। तीसरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात करें तो जो आग बुझाने वाला या जो फायर बाटला होता है, इसका हम तीसरे स्थान पे उपयोग करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारा यह फायर अरेस्टर आ जाता है, जो साइलेंसर में लगा रहता है और इसको ढोलकी के नाम से जाना जाता है। यह जो हमारे अंदर इंजन के अंदर से चिंगारी निकलती है उसको अपने अंदर ही तोड़ देता है। चौथा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि अगर आप कहीं गाड़ी चलाने जा रहे हैं या गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप क्या क्या चेक करेंगे, तब आप बताएंगे कि सर सबसे पहले हम अपने गाड़ी के रेडिएटर में पानी के लेवल को चेक करेंगे, उसके बाद फैन बेल्ट के टेंशन को चेक करेंगे, वह आधा इंची तक दबना चाहिए, उसके बाद हम हाइड्रोलिक, इंजन ऑयल और डीजल के लेवल को भी चेक करेंगे, उसके बाद हम अपने एयर प्रेशर को, टायर में एयर के प्रेशर को चेक करेंगे और जो हमारे पहिए के नट होते हैं उनको चेक करेंगे। फिर बैटरी के टर्मिनल को चेक करने के बाद हम अपने गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। इंटरव्यूअर आपसे अगला क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि मान लीजिए आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर ऊपर से सप्लाई जा रही है, तब आप कितनी दूरी पर काम करेंगे, तो आप बताएंगे, सर वहाँ पर कम से कम हम 3 मीटर दूर होकर ही काम करेंगे। आपसे अगला क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि आप किसी माल को उठाकर कितनी स्पीड से चल सकते हैं, तब आप बताएंगे, सर हम हाइड्रा या फराना से किसी माल को उठाकर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि आप किसी माल को जमीन से कितना ऊपर उठाकर चल सकते हैं, तब आप बताएंगे, सर हम किसी माल को जमीन से 1.5 फीट या 0.5 मीटर ऊपर उठाकर चल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।